इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ में है। अपडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश में लापरवाही अधिकारी कर्मचारियों पर गाज गिरने का सिलसिला जारी है। लगातार काम में अनियमितता बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इसी बीच एक अन्य कार्रवाई डिंडोरी जिले में की गई है, जहां जिला पंचायत सीईओ ने डिंडोरी जनपद पंचायत कसारी सोड़ा ग्राम पंचायत सचिव को सड़क के निर्माण में गड़बड़ी सहित कई शासकीय योजना में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है। दरअसल जिला पंचायत के एपीओ राम जीवन वर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। जिला पंचायत के अपर रामजीवन वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कई बार शिकायत मिली कि गांव के सीसी सड़क सामुदायिक भवन प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की जा रही है, जिसके बाद इस मामले में अधिकारियों द्वारा जांच कराई गई थी। जांच को सही जाने पाए जाने के बाद निलंबन की कार्यवाही की गई। ग्राम पंचायत सचिव राजेश परस्ते को नोटिस जारी किया गया था। ग्राम पंचायत सचिव के जवाब को संतोषप्रद नहीं पाया गया और उन्हें निलंबित कर दिया गया। वहीं एक अन्य कार्यवाही मुरैना जिले में की गई। मुरैना जिले में बीआरसी द्वारा बीआरसी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। आगामी सत्र में नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर बैठक की गई, जिसमें शिक्षक अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जानी थी, लेकिन बार बार कहने के बावजूद इस बैठक में शिक्षक श्रेणी में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद बीआरसी ने कहा कि अधिकारी कर्मचारी सहित शिक्षकों की लापरवाही बेहद खतरनाक है, शासकीय कार्यों में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं उन्होंने 5 शिक्षकों को बैठक में अनुपस्थित जाने की वजह से वेतन रोकने के निर्देश दे दिए। ये शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसमें बारेलाल राजौरिया प्राथमिक विद्यालय राम अवतार मसूरिया, प्राथमिक विद्यालय निशा तोमर प्राथमिक विद्यालय कल्याण शर्मा प्राथमिक विद्यालय और उषा तोमर के नाम शामिल है। वहीं एक अन्य कार्यवाही रतलाम जिले में की गई। दरअसल शहर के सब्जी मंडी के छतरी पुल के समीप मठ के पास एक शासकीय जमीन चिन्हित करने के बाद प्रशासन द्वारा उस जमीन पर विकास के इंतजाम शुरू किया, जिसके बाद जमीन में स्वामित्व को लेकर गड़बड़ी सामने आई। इस मामले में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर पटवारी तेजवीर सिंह चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। तो ये तब तक अपडेट, लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।